सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही अलग तरह की यमी डिलीशियस रेसिपी बनाएंगे। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए यहाँ पर दो अंडे ले लिए हैं और बारी बारी से अंडों को तोड़ना है। दोस्तों, ये रेसिपी इतनी निराली है कि इसका बनाने का तरीका और भी निराला है। ये तड़का पैन में बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अंडे को तोड़ ली हूँ और इसमें थोड़ा सी नमक डाल के मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो चलिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको साइड में रख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरे पास छोटा सी बॉल है, इसके अंदर हमें ऐड करना है थोड़ा सी अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही थोड़ा सी रेड चिली। आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसको थोड़ा सी मिक्स करना है, कुछ इस तरह से पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो चलिए हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल ऐड कर लिया है 1 टेबल स्पून। अब इस पेस्ट को इसमें डालना है और हल्के हाथ से भूनना है। कुछ सेकंड में ये भून जाएगा। अब हमारे पास जो अंडे फेंट के रखे थे वो इसमें डाल देना है। अब ये अंडा थोड़ा सी सेट हो जाए तो इसको हम पलट देंगे। तो देखिए, अंडा कुछ सेकने लग गया है, एक साइड से थोड़ा सा सेक जाएगा, तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या हाल है इसका। तो ये देखिए, अंडा बनना शुरू हो गया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पलटेंगे ताकि जो भी कच्चापन है सब निकल जाए। तो कुछ देर में इस तरह से सेट हो जाएगा। तो अब इसको अच्छे से आप पलट सकते हो, ये टूटेगा नहीं, ये देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, कितना यमी डिलीशियस बनकर तैयार हो रहा है। दोस्तों, ये रेसिपी देखिए कितनी निराली है, जो कि तड़के पैन में बन रही है। इस तरह से आपने कभी बनाया नहीं होगा, ना ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए, बिल्कुल सिक गया है दोनों साइड से, बिल्कुल बाज़ार में भी नहीं मिलेगा ये। दोस्तों, आप ये घर पर बना सकते हो, जब चाहे आप नाश्ते में, शाम के नाश्ते में कभी भी आप बना के खा सकते हो। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाओगे। तो गर्मा गर्म ही आप इसको इंजॉय करें। तो ये निकाल लेती हूँ मैं, ये बन गया है। देखिए कितना कम समय में ये रेसिपी तैयार हो गई है। तो देखिए, गर्मा गर्म कुछ इस तरह से सर्व कर लीजिए और कभी भी इंजॉय कीजिए दोस्तों। तो फिर से मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।